Hi, what's up? My name is Shahzad Sheikh and you are watching me on Bazooka TV. Hello and welcome to Bazooka TV. मैं हूँ शिवम और आज हम आ चुके हैं मेहंदी वाला घर के सेट पर और देखिए हमारे साथ कौन है. हमारे साथ शहजाद हैं. Thank you very much for joining us first of all. Hey, thanks man. Thank you so much for having me guys. Bazooka. Yes. How are you? I'm good. I'm chilling man. Thanks. रमजान चल रहा है. बहुत-बहुत बधाई हैं आपको रमजान की. रमजान मुबारक to all of you also. कैसा चल रहा है क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि दिन भर का रोज़ा रखना पड़ता है. बहुत टफ होता है वो. फिर भी बहुत शिद्दत से लोग मनाते हैं और शिद्दत से लोग रोज़ा रखते हैं. तो कैसी चल रही हो सारी चीज़ें? आई थिंक ये वो एक महीना होता है जहाँ एटलीस्ट मैं काफ़ी सुधर जाता हूँ एंड आई बिकम अ वेरी गुड बॉय एंड आई पे अटेंशन एंड आई कीप एज मेनी रोज़ास एज आई कैन. रोज़ास ऑब्वियसली डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज दे आर डिज़ाइन टू टीच यू पेशेंस. दे आर डिज़ाइन टू ब्रिंग यू क्लोजर टू द लॉर्ड. स्पेंड सम टाइम एंड जस्ट इट्स you have to do it to understand it also but mashallah touch wood and I grew up in Saudi Arabia and all to main bachpan se roze rakhte hue aa raha hu aur family saath mein rehti hai to roze aur aaram se chale jate hain. maza aata hai lekin normal life mein jaise normal chalti rehti hai zindagi jab roze nahi hote ramzan nahi hote normal chalti hai khate hain sari cheeze karte hain but jab ramzan aata hai to khana bahut kam ho jata hai like sham ko khana padta hai 7 baje ke baad. तो ये कितना डिफिकल्ट और कैसा है आपकी? मैं बचपन से करते हुए आ रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली आई डोंट हैव इतना. इट्स नॉट टू मी. मैं आदत है बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई एम डूइंग. इनफैक्ट और मेरे आसपास भी जितने लोग थे सब बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं. तो समटाइम्स व्हेन समवन न्यू इज डूइंग इट तो उनको बहुत तकलीफ पड़ती है बट आई रियली कांट रिलेट टू दैट. वैसे तो सारे रमज़ान आप लोगों के लिए बहुत मेमोरेबल होते होंगे. ऐसा कोई रमज़ान है जिस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है जो हमेशा आपके दिल के करीब रहेगा ऐसा कोई साल? आई थिंक ऑल माई चाइल्ड हुड रमजान जो सऊदी में गुजरे थे बिकॉज वी हैड अ गुड कम्युनिटी देयर. सब लोग साथ में रहते थे. बहुत मज़ा आता था. एंड हाँ आई थिंक दोज डेज बिकॉज वी टू हैव ईद पार्टीज और वहाँ पे ईद के आने वाले 5 दिन तक पार्टीज होती थी. ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन या सो यूज टू हैव लाइक अ वीक्स पार्टी आफ्टर रमजान. कुछ बताना चाहेंगे कैसा होता था वहाँ का माहौल? कौन कौन आपके साथ रहते थे थोड़ा सा उस बार सऊदी में? सऊदी में हमारे बहुत सारे दोस्त थे. एक पूरी कम्युनिटी थी हमारी जो सब साथ में रहा करते थे काया कैम में. आज तो मेरे दोस्त मतलब अलग अलग जगह सब बिछड़े हुए हैं. कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कैनेडा में, कोई अमेरिका में है. सब अपने अपने रास्ते चले गए. वो टाइम के ऊपर हमारा माहौल बड़ा अच्छा हुआ करता था. एक मतलब फैसिलिटीज़ हमारे पास सब कुछ थी और इट वाज अ प्रॉपर अमेरिकन बिल्ड कंपाउंड. अगर आपने वो फिल्म ट्रूमन शो देखी है तो बेसिकली उसका रेप्लिका हमारा एरिया था. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. तो विद आवर फ्रेंड्स ईद की पार्टीज़ भी होती थी. यूज्ड टू बी द मोस्ट लग्जूरियस पार्टीज दैट यू कैन इमेजिन बिकॉज द एस्टेट्स एंड द पूल्स समथिंग यूज्ड टू बी लार्जर देन लाइफ देयर. So the food and pretty much anything and everything was amazing. मतलब you had to be there to see it. अगर आज भी आपको अगर time मिले, guys you must travel to the Middle East and see what Ramzan is celebrated like over there. Ramzan के साथ साथ होली भी आ रही है. Yeah. बहुत ही पावन एक त्यौहार माना जाता है हिंदू रीति रिवाजों में. तो क्या आप कहते हैं कभी ट्राई किया है? हाँ मैं जब से एक्चुअली मैं आई थिंक पिछले 5 या 6 साल से लगातार आई हैव बीन टच विद शुक्र अलहमदुलिल्लाह आई हैव बीन वर्किंग और होली हर साल आती है तो आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग होली धूम धाम से बिकॉज सीरियल में हम लोग 6-6 दिन तक होली सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें शूट भी करना पड़ता है. तो हमारी होली तो मतलब 12 घंटे 6 दिन तक जाती है. तो पहले 3-4-5 दिन तो हम लोग जम के मज़ा करते हैं. इनफैक्ट तो जब होली का दिन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग तो घर पे ही होते हैं बोले कि हमने हमारे एनवायरनमेंट में हमारे लोगों के साथ और आप अपनी क्रू के साथ हमेशा कहीं ना कहीं होली पूरा दिन चलती रहती है. सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स पे रंग लगा हुआ होता है. सब मस्ती के मूड में होते हैं. सो या एज एन एक्टर डू यू फील ब्लेस्ड क्योंकि कोई भी त्यौहार आता है चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, आप लोगों को 2 बार सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है एक स्क्रीन पर और एक इन रियल लाइफ. डू यू फील ब्लेस्ड फॉर दैट? आई रियली एंजॉय इट. ऑब्वियसली माय वर्क इज हमारी वर्क फैमिली भी एक फैमिली ही होती है हमारी. तो यू कैन से दैट वी लिव ट्विन लाइव्स. तो हमारी वर्क वाली फैमिली के साथ हमने होली मना ली वहाँ पे, घर पे भी मना लेते हैं. सो इट्स लवली टू सेलिब्रेट द त्योहार्स 2 टाइम्स बट द फर्स्ट वन इज वर्क. मतलब दैट इज काम प्रॉपर. तो आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ रियल त्यौहार आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो एट द एंड ऑफ द डे. अपार्ट फ्रॉम त्योहार्स शो को बहुत प्यार मिल रहा है. ऑब्वियसली पीपल आर लविंग योर शो, योर कैरेक्टर, एवरीथिंग. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस, द लव यू आर गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस? आई एम वेरी हैप्पी इफ यू गाइस आउट देयर यू वाचिंग. थैंक यू सो मच. आप सबका प्यार एंड सपोर्ट रहे एंड मेहंदी वाला घर आप देखते रहिए. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस यू ऑल नो वेयर टू फाइंड मी. प्लीज सेंड योर डीएम्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम.